गीता तुसी मेरे घर आई हैं, ए बड़ी छैल गल है। असल च मिक इंटरनेट दे बारे च महत्वपूर्ण गल्लां दी समझ लई तुंदी मदद दी लोड़ है। जरूर चाचा, मैं इत्थे तुंदी मदद ते मार्गदर्शन दे लई आई हां। दिखो गीता, जेल्लै मिकी रेलगड्डी राहें कुतै जाना हुंदा है ते मिकी बड़ी मुश्किलें दा सामना करना पौंदा है। जियां मैं फसलें दी मौजूदा कीमत दा पता करने आस्तै अक्सर शहर जन्ना रोना, एदे लई मिकी शहर जाने आस्तै रेल दी लंबी दूरी दी यात्रा करनी पौंदी है ते ओदे मगरा टिकट खरीदने गितै लंबी रिंगे च केई घंटे तोड़ी बलगना पौंदा है। अरे चाचा, तुंदी समस्या इयै, ए ते इन्नी कठन नहीं है। तुस असल च ट्रेन टिकट बुक करने ते कन्नै गै फसल दी कीमत पता लाने दे लई इंटरनेट दा उपयोग कर सकदे हो। क्या ए मुमकिन है? मेहरबानी करियै मिकी दसो मैं इयां कियां करी सकना है। ठीक है, चलो मैं तुसें गी दस्सनी आं जे तुस अपने घर च गै फसलें दी कीमत कियां पता कर सकदे हो ते रेलवे दा टिकट कियां बुक कर सकदे हो। गीता, एह ते बड़ा शैल है, मैं घर बैठिए फसलें दी कीमत दा पता करने आस्तै इंटरनेट दा इस्तेमाल करी सकना। निश्चित रूप च चाचा, ए एक थार है जिथे इंटरनेट भारत दे किसानें दे लई मदद कर सकदा है। सच? मिकी समझाओ मैं अपने फायदे आस्तै इंटरनेट दा इस्तेमाल कियां करी सकना। बेशक चाचा, पहले मैं तुसें गी दस्सी दियां जे भारत दा कृषि मंत्रालय किसानें तोड़ी पुज्जने दे लई इंटरनेट दा उपयोग किस चाली करारदा है। तुस दिखदे हो जे भारत दी 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र च रौंदी है ते कृषि ते ओह्दे कन्नै जुड़े दे दुए कम्में पर निर्भर है। कृषि क्षेत्र दे महत्वपूर्णता दे कारण कृषि ते सहकारिता विभाग ते भारत सरकार दा कृषि मंत्रालय नियमित रूप कन्नै कृषि सांख्यिकी इकट्ठी करदा है ते ओहदा रख रखाव करदा है ते पोर्टल www.agmarket.nic.in दे माध्यम कन्नै हितधारकें दे लई सुलभ बनांदा है। इस पोर्टल दे माध्यम कन्नै किसान थोक उत्पादन दे लई राष्ट्रव्यापी बाजार दी जानकारी हासिल करी सकदे न। एक साधारण इंटरनेट कनेक्शन दी मदद कन्नै ओ आसानी कन्नै बक बक उत्पादने दा दैनिक बाजार भाव हासिल कर सकदे न ते निश्चित होइयै खरीद ते बिक्री पर फैसला लेई सकदे न। एह सूचना हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल ते और भारतीय भाषाएं च भी हासिल कीती जाई सकदियां न। मेरे आस्तै ते एह शैल खबर है, मेहरबानी करियै मिगी दसो कि मैं इस साइट दे राहें राज्य दे बाजारें च चौलें दे थोक भाव दा कियां पता लाई सकना। जरूर, बस इन्हें चरणें दा पालन करो। पहले एजी मार्केट दे वेब पेज www.agmarketnet.nic.in उपर जाओ। जेकर तुस उत्तर प्रदेश च चौलें दी कीमत जानना चाहंदे हो, जेकर तुस दस्से गेदे पेज उपर मार्केट बुलेटिन खंड च दस्सी गेदी वस्तु दा तिथि दे साबै भाव जानना चाहंदे हो तां ओहदे लिंक उपर क्लिक करो। हुन जेल्लै इस लिंक उपर क्लिक करगे तां इक नवा पेज खुलग। इस पेज च बरे ते महीने गी चुनो जेदे लई तुस फसल दी कीमत जानना चाहंदे हो। ओहदे मगरा तुसें गी राज्य दे नां दा चयन करने दा विकल्प मिलोग। सूची च तुस उस राज्य दे नां दा चयन करो जेदी जानकारी तुसें गी चाहिदी। जेकर अस उत्तर प्रदेश दा चयन करचै, राज्य दा चयन करने पर एक और बॉक्स प्रकट होग जेदे च तुसें गी जिंस दा चयन करना होग। वस्तुएं दी सूची च तुस चौल उपर क्लिक करो। एक बारी चौल दा चयन कर लैने उपर सबमिट बटन उपर क्लिक करो। हुन तुस चुने गेदे मां दी बक बक तरीके दे लई उत्तर प्रदेश दे बक बक कृषि बाजारें च चौलें दी। क्या मैं भी इस साइट दे राहें बाजारें दी सारी चीजें दे बारे च जानकारी हासिल करी सकना? जरूर चाचा, मैं तुसें गी दस्सनी आं कियां। जेकर तुस बाजार दी सब्भै चीजें दी कीमत जानना चाहंदे हो तां तुस बुलेटिन खंड दे मार्केट वाइज, कमोडिटी वाइज डेली रिपोर्ट उपर क्लिक करो। लिंक उपर क्लिक करने पर तुसें गी इक पेज जनेहा नजर आओ। कैलेंडर कन्नै तरीक गी चुनो। तरीक दा चयन करने पर राज्य दी सूची हेठ नजर आओ। सूची समा राज्य दे नां दा चयन करो। इत्थे उत्तर प्रदेश चुनिया गया है ते फी सबमिट बटन उपर क्लिक करो। स्क्रीन उपर बाजारें दी एक सूची नजर आओ।
जिस बाजार की कीमत जानना चाहते हो उस बॉक्स की चेक करो, फिर तुस सबमिट बटन ऊपर क्लिक करो। जेकर तुस एक समा मते राज्य का ना चयन करना चाहते हो तो CTRL बटन की दबाए रखते हुए राज्य के नाम पर क्लिक करो। फिर वेबसाइट तुंदे राय तालिके के बाजारें की एक विस्तृत रिपोर्ट दसो। हुन तुस मिगी इस साइट का उपयोग करियै पंजाब राज्य च मक्के दी फसल दा अद्यतन भाव पता करियै दसो। जरूर मिगी कोशिश करन दियो। पहला स्टेप वेबसाइट www.agmarknet.nic.in खोलो। दूसरा स्टेप वेबसाइट से जाइए डाटा वाइज प्राइसेस फॉर स्पेसिफाइड कम्युनिटी पर क्लिक करो। बरा मीना ते राज्य की सिलेक्ट करो। चौथा स्टेप मक की कमोडिटी च सिलेक्ट करो। पंजवा स्टेप सबमिट पर क्लिक करो ते नतीजे सामने आई जांगन। बड़ी खरी गल है, हुन तुसे सीखी लेता है जे फसल बाजार च अद्यावधिक पा किया प्राप्त करो। तुस वेबसाइट ऊपर उपलब्ध दुए विकल्पें दी तलाश करी सकते हो। आजकल कई वेबसाइट उपलब्ध न जिंदे राएं तुस वर्तमान समय दे कन्ने कन्ने भूतकाल दे मौसम दे बारे च भी जानकारियां हासिल कर सकते हो। उंदे च कुछ महत्वपूर्ण वेबसाइट हन www.weatheronline.in ते www.weatherforecastmap.com। भारत च भू विज्ञान मंत्रालय दे अंतर्गत आने वाला मौसम विज्ञान विभाग मौसम संबंधी पर्वेक्षणे ते मौसम दी भविष्यवाणी दे लई जिम्मेवार है। संपूर्ण आंकड़े इस वेबसाइट www.imd.gov.in पर उपलब्ध न। मैं इस साइट राय जानकारी कि हासिल करी सकना? आसानी कन्ने बस इन्हें चरने दा अनुसरण करो। पहले एड्रेस बार च वेबसाइट दा नाम लिखो, स्क्रीन नजर आओ। जेकर तुस हिंदी भाषा च दिखना चाहते हो तां पेज उपर सज्जे बक्खी नजर आवारदे हिंदी लिंक उपर क्लिक करो। इत्थे पेज दे उपर ते खब्बी बक्खी बक बक जानकारियां दित्ती गेदियां जिनेंगी तुस प्राप्त कर सकते हो। मौसम दे बारे च जानने दे लई इंडिया वेदर लिंक उपर क्लिक करो ते तुस वेबसाइट www.indiaweather.gov.in उपर परतियै निर्देशित करी दिते जागे। उन डिपार्टमेंटल वेबसाइटें पर जाने दे लई एदे पर टैप दियो ते फी अपनी वरीयता दे शहर पर क्लिक करो। तुस सरबंधित वेबसाइट पर परतियै निर्देशित होई जागे। मसाल दे लई अस अहमदाबाद राज्य दा चयन करगे। वेबसाइट दे पेज पर खब्बे बक्खी मौसम सेवाएं जियां मानसून, स्थानीय मौसम दा पूर्वानुमान, बंदरगाह ते मछुआरें की चेतावनी, सप्ताहिक मौसम रिपोर्ट दसी दी हुंदी है ते मती जानकारी दे लई संबंधित लिंक उपर क्लिक करो। राज्य व्यापी मौसम दी जानकारी लेने दे लई स्टेट फोरकास्ट लिंक उपर क्लिक करो ते साप्ताहिक मौसम दी रिपोर्ट डाउनलोड करने दे लई वीकली वेदर रिपोर्ट उपर क्लिक करो। हुन तुस मिगी इस वेबसाइट दे चेन्नई दे अगले महीने दे मौसम दा पूर्वानुमान दी जानकारी प्राप्त करने दा प्रयास करियै दसो। आहो मिगी कोशिश करन दियो। www.imd.gov.in खोलो। दूआ स्टेप इंडिया वेल्थ यानी भारत दे मौसम पर क्लिक करो। त्रीआ स्टेप डिपार्टमेंटल वेबसाइट पर क्लिक करो ते चेन्नई गी सिलेक्ट करो। फोरकास्ट पर क्लिक करो ते लोड़चदे विकल्पें दा चुना करो। इसे चाली होम पेज उपर दस्से गेदे लिंके पर क्लिक करियै तुस और जानकारी तुप्पी सकदे हो। भला तुस जानदे हो जे इंटरनेट समा तुस महासागर ते मच्छियां फगड़ने दे संभावित क्षेत्रें दे बारे च जानकारी हासिल करी सकदे हो? सच ओ किया? भू विज्ञान मंत्रालय दे अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवाएं केंद्र दी वेबसाइट www.incois.gov.in दिखो। जानकारी प्राप्त करने दे पादन पहला एड्रेस बार चो www.incois.gov.in टाइप करो। ए स्क्रीन
नजर आओ। मछली फगड़ने दे संभावित क्षेत्रें दी जानकारी हासिल करने दे लई एडवाइजरी सर्विसेज खंड दे अंतर्गत पोटेंशियल फिशिंग जोन उपर जाओ। तटीय क्षेत्रें दे पूर्वानुमान गी तुपने दे लई एडवाइजरी सर्विसेज खंड दे अंतर्गत। ओ कियां हो राहुल, तुस इत्थे के ले आए? ओ दीदी, मैं तुसें गी पाइए बड़ा गै ज्यादा खुश हां। मैं तुंदे शा किश सहायता चाहना। दीदी भला मैं इंटरनेट समा शिक्षा संबंधी जानकारियां हासिल कर सकना? बिल्कुल राहुल, बस इस साइट पर जाओ ते इन्हें पदे दा अनुसरण करो। पहले वेबसाइट www.shiksha.com दिखो। पेज ऊपर सारे शा ऊपर बक बक टैब दिते गए दिन संगत जानकारी हासिल करने दे लई उंदे माध्यम कने जाओ। होम टैब च सर्च बार दिते दा है संस्थान दा नां या कोर्स दा नां जेदे बारे च तुसें की जानकारी हासिल करना चाहंदे हो एंटर करो। कन्ने गै मुल्क अथवा विदेश दी जानकारी तुपने दे लई विकल्प जियां स्टडी इन इंडिया ते स्टडी एब्रॉड दिते गए दिन। MBA टैब च बख बख MBA कोर्सें ते संस्थाने दे बारे च जानकारी दिती गई है। तुस खास कोर्स प्रस्तावित करने आले या विशिष्ट परीक्षा की स्वीकार करने आले संस्थाने दी सूची दिखी सकदे हो। 12वीं मगरा टैब च 12वीं कक्षा पास करने दे मगरा कीते जाई सकने आले बख बख कोर्सें दी जानकारी उपलब्ध है। मती जानकारी दे लई सर्वनित लिंक उपर क्लिक करो। कैरियर सेंट्रल टैब तुंदे राय चुने जाई सकने आले बख बख क्षेत्रें ते कोर्सें दी जानकारी उपलब्ध करांदा है। टॉप इंस्टीट्यूट टैब दा प्रयोग करियै तुस बख बख क्षेत्रें जियां MBA, BE, BTEC या LLB दे श्रेष्ठ संस्थानें दी खोज करी सकदे हो। होम पेज च तल उपर हुन तुस मिगी शिक्षा वेबसाइट दा परतून करियै बेंगलोर च आर्किटेक्चर कोर्सें गी तुपने दा प्रयास करियै दसो। बिल्कुल, मिगी कोशिश करन दियो। वेबसाइट www.shiksha.com खोलो। दूआ स्टेप, ऑल कोर्सेज पर क्लिक करो ते ड्रॉप डाउन मेनू सवा साइंस ते इंजीनियरिंग गी सिलेक्ट करो ते फी आर्किटेक्चर पर क्लिक करो। शहरें दी सूची च बेंगलोर गी तालो ते प्रोसीड बटन पर क्लिक करो। तुसें गी लोड़चदी अजकल मती सारी नई वेबसाइटां मौजूद न जेड़ियां नौकरी ते कैरियर संबंधी दुई सूचना उपलब्ध करांदियां न। मिसाल दे तौर पर ए वेबसाइटां न www.employmentnews.com, www.naukri.com ते www.timesjob.com। वेबसाइटां उपलब्ध न जेड़ियां छड़ियां ग्रामीण बाजारें दी गै सूचना उपलब्ध करांदियां न जियां www.ruralnaukri.com। अपने वेब ब्राउजर दे एड्रेस बार च www.employmentnews.com टाइप करो। होम पेज उपर महत्वपूर्ण सूचना ते लिंके कने युक्त मते सारे खंड नजर आउंगन। अपने कने सरबंधित कुसै लिंक दे बारे च और मता पढ़ने दे लई ओदे पर क्लिक करो। बक बक कॉलेजें ते यूनिवर्सिटियें राय लैती गेदी परीक्षाएं दे परिणाम ते दाखले दी सारणी दिखने दे लई एडमिशन ते रिजल्ट पर जाओ। कैरियर सरबंधी बक बक सूचना प्राप्त करने दे लई कैरियर लिंक्स उपर जाओ जिथे शैक्षणिक, विमानन, बैंकिंग, सिविल सेवा, रक्षा, इंजीनियरिंग कने सरबंधित महत्वपूर्ण लिंक दिते गेदे न। एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार दा ग्राहक बनने दे लई होम पेज दे उपर सज्जे कोने उपर दिते गेदे लिंक उपर जाओ ते लिस्ट च दिते गेदे आवश्यक पदें दा पालन करो। तुस ई वर्जन टैब उपर जाइयै यूजर्स नां ते पासवर्ड दा प्रयोग करियै एम्प्लॉयमेंट न्यूज रोजगार समाचार दा ई संस्करण हासिल कर सकदे हो। हुन मिगी एम्प्लॉयमेंट न्यूज वेबसाइट दा प्रयोग करदे होई नमी समा नमी नौकरी तुप्पियै दसो। हाँ, मिगी पूरा विश्वास है जे मैं करी सकना। अपने वेब ब्राउजर दे एड्रेस बार च www.employmentnews.com टाइप करो। अपने कने सरबंधित कुसै लिंक दे बारे च और मता पढ़ने दे लई ओदे पर क्लिक करो।
इसै चाली तुस वैबसाइट च उपलब्ध दुई महत्वपूर्ण विशेषताएं दा प्रयोग कर सकदे हो ते जरूरत आली जानकारियां हासिल कर सकदे हो। मैं दसनिया जे तुस नौकरी.com साइट दा प्रयोग किया कर सकदे हो। पहले एड्रेस बार च www.naukri.com टाइप करो। तुस वांछित नौकरी की पदनाम, हुनर, थार, नौकरी दी श्रेणी ते प्रत्याशित वेतन दे आधार उपर तुपी सकदे हो। तुस नौकरी तुपने दे लई होम पेज एट दसी गेदी बख बख पद्धतियां दा प्रयोग कर सकदे हो जेड़ियां कि एट दसियां गेदियां। जेकर तुस नियोजकताएं की तुपारदे हो तां रिक्रूटर्स बटन उपर जाओ। मती परिष्कृत खोज दे लई फिल्टर दा प्रयोग करो। जेकर तुस अपना बायोडाटा पोस्ट करना चाहते हो तां होम पेज च पोस्ट रिज्यूम टैब उपर जाओ ते वांछित सूचना भरो ते अपना रिज्यूम अपलोड करो। जेकर तुस लॉग इन अथवा पंजीकृत कराना चाहते हो तां जॉब सीकर लॉग इन टैब उपर जाओ ते लॉग इन करो। वैबसाइट की दुई विशेषताएं जिया बायोडाटा लिखना, प्रोफाइल वृद्धि, रिक्रूटर रीच या कैरियर एडवाइस दे लई फास्ट फॉरवर्ड टैब उपर जाओ। शिक्षा संबंधी बख-बख जानकारियों की हासिल करने दे लई टैब उपर जाओ। ए हिस्सा भारत दे कन्ने-कन्ने विदेशों दे बख-बख कोर्सें ते कॉलेजे दी जानकारी रखता है। वैबसाइट www.ruralnaukri.com दे राएं नौकरी तुपने दे लई स्टेप 1 वैबसाइट उपर जाओ। नौकरी खुलने दी सूचना ईमेल दे कन्ने गै प्राप्त करने दे लई टैब दा प्रयोग करदे होई अपने की पंजीकृत कराओ। जेकर तुस अपने की पंजीकृत कराई चुके दे हो तां अपने यूजर नेम ते पासवर्ड दा प्रयोग करिए वैबसाइट च खब्बे बखी दित्ते गेदे मेंबर लॉगिन सेक्शन च लॉगिन करो। जारी होने वाली नवी नवी नौकरी दे विवरण जानने दे लई वैकेंसीज टैब उपर जाओ जिथे नौकरी दा पद, संस्था ते स्थान अंकित हो। कैरियर अथवा कृत्रिम साक्षात्कार, परामर्श ते रिज्यूम दे विज्ञापन संबंधी बख-बख सेवाएं तोड़ी पूजने दे लई वैबसाइट दे सज्जे बखी एम्प्लाइज सर्विसेज सेक्शन उपर जाओ। उन वैबसाइट www.naukri.com दा प्रयोग करते हुई कंप्यूटर ऑपरेटर दी नौकरी मुंबई च तुप्पो। वैबसाइट www.naukri.com खोलो। दूआ स्टेप, कीवर्ड फील्ड च कंप्यूटर ऑपरेटर इंटर करो ते लोकेशन फील्ड च मुंबई इंटर करो। त्रीया स्टेप, सर्च बटन पर क्लिक करो, तुसेंगी लोड़चदे नतीजे लब्भी जांगन। उन मिगी पूरा विश्वास है जे तुस इंटरनेट ते राएं राईवाई या सेवा योजन कने संबंधित जानकारी तुपना सीखी गए हो। गीता, क्या मैं इंटरनेट दे राएं अपना बिजली दा ते टेलीफोन दा बिल भरी सकना? बिल्कुल, इसे चाली दे बिल तुस इंटरनेट दे राए भरी सकदे हो। मैं दसनी हां तुस कियां भरी सकदे हो। उपयोगी सेवा जियां बिजली, पानी, गैस ते फोन, ओ सेवा जिंदा उत्पादन ते वितरण स्थापित करना बड़ा गै खर्चीला हुंदा है। आजकल दुनिया भर च मती सारी एजेंसियां पेपर दे बगैर बिलिंग ते इलेक्ट्रॉनिक भुगतान दी सुविधा उपलब्ध करांदियां। एदे ने जीवन की बड़ा गै सौखा बनाई दिता गया है कि जे कोई चा ऑफिस च होए या घरे च बिले दा भुगतान ऑनलाइन कर सकदा है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने दे किश फायदे इस चालिन, यात्रा ते लंबी लाइने दे समय दी बचत हुंदी है, बिल खोने दी कोई संभावना नहीं रहंदी है, सही ते तय समय पर भुगतान कीता जाई सकदा है, पूरे 24 घंटे भुगतान कीता जाई सकदा है। भुगतान करने समय पहले बिल राशि जरूर जांचो। ज्यादातर बिजली वितरण कंपनी दे कोल बिलें दा भुगतान ऑनलाइन हासिल करने दी सुविधा है। उदाहरण दे लई, जेकर तुस दिल्ली च रवारदे हो ते BSES राजधानी तुंदे घर च बिजली सप्लाई करारदी है तां तुस BSES राजधानी दी वैबसाइट उपर जाइयै ऑनलाइन बिल दा भुगतान करी सकदे हो। इसे चाली संबंधित बिजली वितरण कंपनी दी वैबसाइट उपर जाइयै तुस अपने बिजली बिल दा भुगतान करी सकदे हो। भारत दी किश बड़ी बिजली वितरण कंपनियां इस चाली न। चलो
हुन मैं तुसें गी दस्सनी आं जे तुस BSES दिल्ली च आनलाइन बिजली दे बिल दा भुगतान कियां कर सकदे हो। पहले BSES दिल्ली दी वैबसाइट www.bsesdelhi.com उपर जाओ। हुन पेमेंट ऑप्शन उपर जाओ ते आनलाइन भुगतान करने दे लई डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग दा चयन करो। निर्देशें गी ध्यानपूर्वक पढ़ो ते विकल्प पे नाउ पर क्लिक करो। उन दित्ते गेदी थार उपर अपना सीए नंबर भरो। तुस अपना सीए नंबर अपने बिजली दे बिल दे कागज दी कापी दे सज्जे हत्थे दे उपरी कंडे पर दिखी सकदे हो। फी गो बटन उपर क्लिक करो। उन भुगतान पृष्ठ नजर आओ। भुगतान दे टंग जियां डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दा चयन करो। जेले तुस चयन करी लाओ तां भुगतान प्रक्रिया दा अनुसरण करो। दीदी, भला अस मोबाइल फोन गी भी ऑनलाइन रिचार्ज कर सकने हैं? हाँ जरूर, इया करने दे लई अपने प्रीपेड मोबाइल गी रिचार्ज करने दे लई बस एड लिखे दे पदे दा अनुसरण करो। पहले रिचार्ज इट नौ वेबसाइट उपर जाओ। उन मोबाइल विकल्प उपर क्लिक करो ते फी उपलब्ध विकल्प चा सेवा प्रदाता दा चयन करो। एदे मगरा अपना मोबाइल नंबर लिखो ते कंटिन्यू बटन दबाओ। उन दो विकल्पें चा अपने प्लान दे मुताबिक दा चयन करो ते फी रिचार्ज रकम गी भरो ते फी कंटिन्यू बटन उपर क्लिक करो। उन तुंदे मोबाइल नंबर उपर सरबंधित जानकारी नजर आओ। एदी पुष्टि करो ते त्रै विकल्पें चा कुसे इक विकल्प दा चयन करो। जेकर तुस पंजीकृत उपभोक्ता हो ते पंजीकरण नहीं करना चाहंदे हो तां कंटिन्यू एज गेस्ट विकल्प गी दबाओ। जेकर तुस पंजीकृत उपभोक्ता हो तां साइन इन बटन दबाओ। जेकर तुस पंजीकृत उपभोक्ता नहीं आओ पर अपना पंजीकरण कराना चाहंदे हो तां रजिस्टर बटन दबाओ। जेकर तुस कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबांदे हो तां नेड़े स्क्रीन नजर आओ। उन अपनी जानकारी दर्ज करो ते सबमिट बटन दबाओ। उन भुगतान विकल्प चा कुसे इक दा चयन करो। कुसे इक विकल्प पर चयन करने दे मगरा बैंकें दी सूची आला इक ड्राप डाउन बॉक्स नजर आओ। उपयुक्त बैंक दा चयन करो ते कंटिन्यू बटन दबाओ। उन भुगतान दा सारांश नजरी आओ। पुष्टि करने दे मगरा प्रोसीड बटन दबाओ। उन तुस अपने राय चुने गेदे बैंक दे पेमेंट गेटवे उपर परतियै निर्देशित कर दिते जागे। अपना यूजर नाम ते पासवर्ड दा प्रयोग करियै जरूरी राशि दा भुगतान करो। रोहन, हुन तुस www.recharge.com वेबसाइट दा प्रयोग करियै तुस आपू अपना मोबाइल रिचार्ज करो। बिल्कुल दीदी, पहले रिचार्ज इट नौ वेबसाइट उपर जाओ। उन मोबाइल विकल्प उपर क्लिक करो ते फी उपलब्ध विकल्पें चा सेवा प्रदाता दा चयन करो। एदे मगरा अपना मोबाइल नंबर लिखो ते कंटिन्यू बटन दबाओ। उन दो विकल्पें चा अपने प्लान दे मुताबिक दा चयन करो ते फी रिचार्ज रकम गी भरो ते फी कंटिन्यू बटन उपर क्लिक करो। जेकर तुस कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबांदे हो तां नेड़े स्क्रीन नजर आओ। उन अपनी जानकारी दर्ज करो ते सबमिट बटन दबाओ। उन भुगतान विकल्प चा कुसे इक दा चयन करो। उपयुक्त बैंक दा चयन करो ते कंटिन्यू बटन दबाओ। पुष्टि करने दे मगरा प्रोसीड बटन दबाओ। अपना यूजर नाम ते पासवर्ड दा प्रयोग करियै जरूरी राशि दा भुगतान करो। दीदी, अस पोस्टपेड मोबाइल दा बिल कियां भरी सकने आं? अस पेटीएम वेबसाइट दा प्रयोग करियै पोस्टपेड मोबाइल दा बिल भरी सकने आं। बस इन्हें पदे दा अनुसरण करो। पहले पेटीएम वेबसाइट उपर जाओ। उन बिल पेमेंट टैब उपर जाओ ते अपने पोस्टपेड मोबाइल दा बिल भरने दे लई मोबाइल बटन उपर क्लिक करो। इत्थे तुस अपना मोबाइल नंबर भरो, अपना ऑपरेटर चुनो ते बिल दी राशि दर्ज करो। ओदे मगरा प्रोसीड उपर क्लिक करो। उन तुंदे भुगतान दा संक्षिप्त ब्योरा प्रदर्शित होग। प्रोसीड टू पे बटन उपर क्लिक करो। उन पेटीएम च साइन इन करो। जेकर तुस नमें उपयोगकर्ता हो तां अपना अकाउंट बनाओ ते फी अपना ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ते पीटीएम पासवर्ड दा प्रयोग करियै साइन इन करो। उन स्क्रीन उपर खब्बे बक्खी दित्ते गेदे विकल्पें चा इक दा प्रयोग करदे होई भुगतान करो।
हुन तुस भुगतान पूर्ण कर लगे तुस कामयाबी कने अपना मोबाइल रिचार्ज कर लगे। गीता, क्या केबल टीवी दे बिल दा भुगतान भी करी सकने हां? हां चाचा, तुस कर सकदे हो। हुन मैं तुसें गी दसनी हां जे तुस रिचार्ज इट नो वेबसाइट दी वरतून करियै डीटीएच की कियां रिचार्ज कर सकदे हो। पहले www.rechargeitnow.com वेबसाइट पर जाओ। इत्थे ऑनलाइन रिचार्ज सेक्शन दे तहत त्रै विकल्प नबगन। अपना डीटीएच रिचार्ज करने दे लई डीटीएच बटन उपर क्लिक करो, फिर अपने सर्विस प्रदाता दा नाम लिखो। मनी लाओ जे असे सर्विस प्रदाता दे रूप च टाटा स्काई दा चयन कीते दा है। उन अपना उपभोक्ता आईडी नंबर दर्ज करो ते कंटिन्यू बटन उपर क्लिक करो। उन टाटा स्काई प्लान दी सारणी नजर आओ। विशेष पैक गी सक्रिय करने दे लई रिचार्ज राशि दर्ज करो ते फी कंटिन्यू बटन गी दबाओ। उन डीटीएच कने सरबंधित जानकारी नजर आओ। एदी पुष्टि करो ते उपलब्ध त्रै विकल्पे चा कुसै इक विकल्प गी चुनो। जेकर तुस पंजीकृत उपभोक्ता हो ते पंजीकृत नहीं करना चाहंदे हो तां कंटिन्यू एज गेस्ट विकल्प गी चुनो। जेकर तुस पंजीकृत उपभोक्ता हो तां साइन इन बटन दबाओ। जेकर तुस पंजीकृत उपभोक्ता नहीं हो पर अपना पंजीकरण करना चाहंदे हो तां रजिस्टर बटन गी दबाओ। जेकर तुस कंटिन्यू एज गेस्ट बटन दबांदे हो तां नेड़े स्क्रीन नजर आओ। उन अपनी जानकारी दर्ज करो ते सबमिट बटन दबाओ। उन भुगतान दे विकल्पे चा इक दा चयन करो। कुसै इक विकल्प पर चयन करने दे मगरा बैंकें दी सूची आला इक ड्रापडाउन बाक्स नजर आओ। उपयुक्त बैंक दा चयन करो ते कंटिन्यू बटन गी दबाओ। उन भुगतान दा सारांश नजर आओ। पुष्टि करने दे मगरा प्रोसीड बटन दबाओ। उन तुस अपने राय चुने गेदे बैंक दे पेमेंट गेटवे उपर परतियै नजर आओगे। अपना यूजर नाम ते पासवर्ड दा प्रयोग करियै लोड़चदी राशि दा भुगतान करो। मिगी विश्वास है जे उन तुसें लोकें लई अपने बिलें दा भुगतान करना ते मोबाइल फोन ते केबल टीवी नेटवर्क रिचार्ज करना सौखा होग। बेशक दीदी, ए ते बड़ा उपयोगी है। आहो गीता, ए जानकारी पक गए, साडा बड़ा समा बचाग। ए ते बड़ा खरा है। चलो उन दोहराने दे लई इस गतिविधि च हिस्सा लैने आ। गीता, क्या तुस मिगी दसी सकदियां हो जे रेलगड्डी ते बसें दी टिकटें दा ऑनलाइन रिजर्वेशन कियां होंदा? बिल्कुल चाचा, हुन तुसें गी ट्रेन टिकट बुक कराने दे लई घंटे लाइन च इंतजार करने दी लोड़ नहीं है। वेबसाइट दे माध्यम कन्नै ऑनलाइन ट्रेन टिकटें दा आरक्षण कराया जाई सकदा है। पहले वेब ब्राउजर खोलो ते फी एड्रेस बार च टाइप www.irctc.co.in टाइप करो। दित्ती गेदी थार उपर अपना यूजर नाम ते पासवर्ड लिखो ते लॉगिन करो। नोट, जेकर तुस वर्तमान च उपयोगकर्ता नहीं आओ तां साइन अप लिंक च जाओ ते अपना यूजर नेम ते पासवर्ड दर्ज करो। इक बारी तुस लॉगिन कर लेगे तां इक पेज नजर आओ। अपना टिकट बुक कराने दे लई प्लान माई ट्रैवल सेक्शन च फ्रॉम ड्रॉप डाउन विकल्प उपर क्लिक करो, जिथे तुसें गी यात्रा शुरू करने आले स्टेशन दा नां ते लिस्ट च अपना जाने आले स्टेशन दा नां लिखना हो। मिसाल दे लई, जेकर तुस बंगलोर समा चेन्नई दी यात्रा करना चाहंदे हो तां तुस फ्रॉम लिस्ट च बंगलोर ते टू लिस्ट च चेन्नई टाइप करगे। उस वर्ग च तुस स्टेशन दे कोड भी टाइप कर सकदे हो। उन डेट वर्ग कैलेंडर च यात्रा दी तिथि दा चयन करो। उन टिकट टाइप उपर जाओ ते दो चा इक विकल्प गी चुनो। पहला विकल्प आई टिकट दा, दूआ विकल्प ई टिकट दा है। ई टिकट गी तुस आपू इलेक्ट्रॉनिक टिकट आला लेखा प्रिंट करियै हासिल कर सकदे हो। आई टिकट भौतिक टिकट जेड़ा तुसें गी ऑनलाइन बुकिंग दे किश दिनें मगरा हासिल हुंदा है। उन कोटा क्षेत्र च विकल्पें च इक विकल्प चुनो। इत्थे पर त्रै विकल्प न, सामान्य, तत्काल ते महिला। सामान्य च कोई भी यात्रा कर सकदा है। तत्काल टिकट ट्रेन दे प्रस्थान दे इक दिन पहले बुक कीता जाई सकदा है ते लेडीज कोटा महिलाएं दे लई आरक्षित हुंदा है।
बुक विकल्प पर क्लिक करने पर ए पड़ती है तुसेंगी उस पेज पर दसी देख जित्थुआ तुसेंगी यात्रा करने वाले यात्रियों का विवरण पन्ना हो। एक ई टिकट पर ज्यादा समा ज्यादा 6 यात्री यात्रा कर सकते हैं। बॉक्स च विवरण भरो ते फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। हुन तुस आरक्षण का विवरण दिखी सकते हो। दसे गए विवरण की जांचो जे भला वह तुंदी जरूरत के मुताबिक है या नहीं। एक कोटे की उपलब्धता की भी दसता है ते तुंदे राय अदा की गई रकम ते सेवा शुल्क की दसता है। उन भुगतान करने दे लई मेक पेमेंट विकल्प पर क्लिक करो। उन वेबसाइट च दसे गए विकल्पें चा कुसै एक विकल्प कन्ने भुगतान करो। भुगतान दे बख बख टंग ते बैंक दा चयन कर लेने पर ए स्वचालित रूप कन्ने उस बैंक दे भुगतान पृष्ठ पर चली जाग। उन भुगतान सफल हो जाने पर ए स्वचालित रूप च चाचा उन तुस IRCTC वेबसाइट दा प्रयोग करिए दिल्ली समा पटना दा स्लीपर क्लास च टिकट आरक्षित करवाने दा प्रयास करो। अहो मिगी पूरा विश्वास है जे मैं करी सकना। www.irctc.co.in टाइप करो। अपना यूजर नाम ते पासवर्ड लिखो ते लॉग इन करो। जिथे तुसेंगी यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन दा नाम ते लिस्ट च अपना जाने वाले स्टेशन दा नाम लिखना हो उन डेट वर्ग कैलेंडर च यात्रा दी तिथि दा चयन करो। बुक विकल्प पर क्लिक करने यात्रियों दा विवरण पन्ना हो। बॉक्स च विवरण भरो ते फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। उन भुगतान करने दे लई मेक पेमेंट विकल्प पर। दीदी भला मैं मोबाइल फोन पर भी इंटरनेट रेलवे टिकट बुक कर सकना? हाँ रोहन, तुस मोबाइल फोन या टैबलेट पर भी रेलवे टिकट बुक कराई सकते हो। IRCTC ऐप बिजन कुसे शुल्क दे डाउनलोड की जा सकती है ते ए एंड्रॉइड दे कन्ने कन्ने विंडोज फोन दे ले भी उपलब्ध है। एंड्रॉइड फोन दा प्रयोग करिए टिकट बुक कराने दे ले बख पदे दा अनुसरण करो। पहले प्ले स्टोर समा IRCTC ऐप डाउनलोड करो। ऐप खोलो ते यूजर नेम ते पासवर्ड दा प्रयोग करिए लॉग इन करो। कामयाबी के लिए लॉगिन करने दे मगरा ए भाग नजर आंदा है। टिकट बुक करने दे लई बुक टिकट ओब्लिक इंक्वायरी विकल्प पर क्लिक करो। प्लान माय ट्रेवल विकल्प नजर आओ जिथे तुसें की अपेक्षित जानकारी दर्ज करनी हो। मिसाल दे तौर पर जाने वाली थार यात्रा दी तिथि श्रेणी कोटा ते टिकट दा प्रकार। हुन एठ ट्रेने दी सूची विकल्प पर हिट करो। हुन तुसें की लोड़ दे मुताबक ट्रेने दी सूची नजर आओ। हुन पैसेंजर फार्म नजर आओ। यात्रा ब्यूरो दर्ज करने दे लई एड पैसेंजर उपर क्लिक करो। यात्री दी सूचना दर्ज करने दे मगरा एड बटन उपर क्लिक करो ते हुन पैसेंजर सक्सेसफुली एडेड दसदे होई संदेश नजरी आओ। यात्रा दा विवरण ते टिकट दी शुल्क जानने दे लई कंटिन्यू बटन उपर क्लिक करो। उन यात्रा दा विवरण ते टिकट दा किराया नजर आओ। विवरण चेक करो फी उपलब्ध विकल्पें चा कुसै एक विकल्प कन्ने भुगतान करने दे लई मेक पेमेंट बटन उपर क्लिक करो। भुगतान दे विशेष टंग ते बैंक दा चयन कर लेने पर ए स्वचालित रूप कन्ने उस बैंक दे भुगतान पृष्ठ उपर चली जाग। उन भुगतान सफल हो जाने पर ए स्वचालित रूप कन्ने IRCTC दी वेबसाइट उपर परतियै निर्देशित हो जाग ते तुंदा टिकट बुक हो। क्या तुस बस दा ऑनलाइन टिकट भी बुक कराई सकदियां हो गीता? हां बिल्कुल, मती सारी नई एजेंसियां जिंदे राय तुस बस दी टिकट भी ऑनलाइन बुक कर सकदे हो। दसो ना अस कियां करी सकनियां? ठीक है, पहले अस किश प्रसिद्ध ऑनलाइन पोर्टल दे बारे च जानने आं जेड़े ए सुविधा उपलब्ध करांदे न। किश ऑनलाइन पोर्टल जिंदे माध्यम कन्ने तुस अपना बस टिकट बुक कराई सकदे हो। redbus.in, travelyari.com, bookbusnow.com, abibus, seatselect.in, simplybus, igozi.com आदि जिंदे माध्यम कन्ने तुस अपनी बस टिकट बुक करी सकदे हो।
सारे शा प्रसिद्ध पोर्टल है redbus.in जेदे कोल 65% समा मती दी मार्केट शेयर न। उन अस उने गैंग दिखने आ जिंदे राय अस redbus दा टिकट बुक कराई सकने आ। पहले www.redbus.in उपर लॉग इन करो, फी फ्रॉम टू ते डेट ऑफ जर्नी दा चयन करो, ते फी सर्च बसेस विकल्प उपर क्लिक करो। उन खोज दे परिणाम दा पृष्ठ बुकिंग दे लई उपलब्ध सीटें कने नजर आओ। यात्रा, बस दी प्रकार, सुविधा, चढ़ने ते उतरने दा समय ते थार दे मुताबक अपने परिणामे गी छांटे। सीट दिखो, उस सीट उपर क्लिक करो जेड़ी तुस बुक करना चाहंदे हो, ते चढ़ने ते उतरने दे थार दा चयन करो, ते फी कंटिन्यू बटन गी दबाओ। उन व्यक्तिगत ब्यौरा भरो। जेकर तुंदे कोल ऑफर कोड है या कैश बना है ता ओदा इस्तेमाल करो। उन वेबसाइट उपर दसी गेदी ऑनलाइन भुगतान दे तरीके में चा कुसे इक दा चयन करिए भुगतान करो। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड दे राय भुगतान कीते जाने दे लई ए बिंदु है। नेट बैंकिंग दे राय भुगतान कीते जाने दे लई ए बिंदु है। redbus वेबसाइट दे जरिए दिल्ली समा हरिद्वार दा टिकट बुक कराने दी कोशिश करो। हां, मैं करी सकना। पहले www.redbus.in उपर लॉग इन करो, फी फ्रॉम टू ते डेट ऑफ जर्नी दा चयन करो, खोज दे परिणाम दा पृष्ठ बुकिंग दे लई उपलब्ध सीटें कने नजर आओ, ते थार दे मुताबक अपने परिणामे गी छांटे। सीट दिखो, उस सीट उपर क्लिक करो जेड़ी तुस बुक करना चाहंदे हो, ते चढ़ने ते उतरने दे थार दा चयन करो, ते फी कंटिन्यू बटन गी दबाओ। उन व्यक्तिगत ब्यौरा भरो। पला मैं redbus ऐप दे जरिए बस दा टिकट मोबाइल फोन उपर इंटरनेट दा प्रयोग करिए बुक करी सकना? बिल्कुल, तुसें गी एदे पर redbus ऐप गी इंस्टॉल करना होग। एदे लई निम्न पदे दा अनुसरण करो। पहले प्ले स्टोर उपर जाओ ते redbus ऐप सर्च करो, ते इसी अपने स्मार्टफोन उपर इंस्टॉल करो। एक बारी जिल्ले इंस्टॉल दी प्रक्रिया मुकम्मल होई जाग, ऐप की चालू करने दे लई खोलो ते बुकिंग शुरू करो। उन प्रारंभ ते गंतव्य गी फ्रॉम ते टू दे फील्ड च दर्ज करो। जिल्ले तुस प्रारंभ ते गंतव्य गी दर्ज कर लैगे, ते कैलेंडर कन्ने तिथि दा चयन करगे, ते फी सर्च बसेस बटन उपर क्लिक करो। उन सीट गी चुनो ते अपनी बोर्डिंग दी जानकारी दर्ज करो, फी कंटिन्यू बुकिंग बटन पर क्लिक करो। उन अपना संपर्क ब्यौरा जिया ना, ईमेल आईडी, संपर्क नंबर, आयु, लिंग, ते फी कंटिन्यू बुकिंग बटन उपर क्लिक करो। उन उपलब्ध विकल्पे में चा एक दा प्रयोग करिए भुगतान करो, ते तुस इस चाली ऑनलाइन टिकट बुक कराई सकदे हो। धन्यवाद दीदी, इस जानकारी साढ़े लिए बड़ी मददगार हो। हाँ बिल्कुल, चलो उन अस इस गतिविधि की जांच है। गीता, साढ़े कन्ने पिंडा दे लोकां नूं नवीनतम सरकारी योजना दे बारे जानकारी मिली सकदी है? कि इंटरनेट साड़ी सहायता करी सकदा है? बिल्कुल चाचा जी, भारत सरकार केंद्र ते राज्य स्तर पर नागरिकें गी बख-बख सूचना ते सेवा ऑनलाइन उपलब्ध करारदा है, जेदे कन्ने ई गवर्नेंस यथार्थ होई सके। तुस इनेंगी चेक करने दे लई इंटरनेट दी बरतून कर सकदे हो।